नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु, स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, मंडे पॉजिटिव, बड़ी भर्ती, मंत्री ने की समीक्षा 4000 पदों पर, साथ में 4000 पदों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सभी पदों पर भर्ती होगी। साथ में आप देखेंगे कि जो हमारी छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है, वो सेंट्रल लेवल की जो परीक्षा है उससे जो है टकरा रही है। क्या है पूरा मामला देखेंगे, बिना किसी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, कारण क्या है, 18 सितंबर को हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है। आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो भी 16 से 19 सितंबर जो उनका डेट है, संभावित डेट, वो वहां पर बताया गया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसी जो परीक्षा का आयोजन, सेंट्रल लेवल की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ऐसा बताया गया है सितंबर में ही। और वहीं पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा रखा दिया गया है। अब यहाँ पे जो छात्र है, कल की डेट पे आप देख रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे उन्होंने आवेदन लिखा है व्यापम को कि भाई यहाँ पे जो सेंट्रल लेवल की परीक्षा है, और सेंट्रल लेवल की जब परीक्षा रहती है तो जो व्यापम है, जाहिर सी बात है, कोई भी राज्य की एजेंसियां जो परीक्षा आयोजित करती है, सेंट्रल लेवल की परीक्षा को कभी भी जो है उनका पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी परीक्षा किसी की भी जो है वो क्रॉस ना हो। जाहिर सी बात है, यूजीसी नेट की परीक्षा हर कोई दिलाता है जो बोलना चाहिए शिक्षक क्षेत्र में जाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूजीसी नेट की परीक्षा कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्रॉस होने की संभावना है, टकराने की संभावना है। और इसका खासा जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि ये कम समय मिला, उनको कोई दिक्कत नहीं, परंतु यहाँ पे यूजीसी जो नेट की परीक्षा है वो वहाँ पे टकरा रही है, जो उनको कायदे से बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने व्यापम को पत्र लिखा है कि भाई आप लोग थोड़ा सा डेट को आगे बढ़ाए और जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसको होने दीजिए, उसके बाद आप अपनी परीक्षा ले लीजिए। अब यहाँ पे जो संभावना बताई जा रही है कि जो व्यापम है वो डेट बढ़ा सकता है, कारण है कि व्यापम जो है जो एक राज्य परीक्षा की एजेंसियां हैं, जबकि यूजीसी नेट जो है सेंट्रल लेवल की परीक्षा है। कभी भी कोई भी राज्य की जो परीक्षा होती है वो सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं को अगर बाद में भी डेट जारी करता है, फिर भी जो है वो सेंट्रल लेवल की परीक्षा को नहीं क्रॉस करते, और राज्य की जो एजेंसियां हैं वो अपना जो डेट है वो आगे या पीछे करती है। कभी भी सेंट्रल लेवल की परीक्षा जो है वो राज्य की परीक्षा के लिए जो है अपना डेट आगे पीछे नहीं करती, राज्य की जो एजेंसियां हैं वो ही आगे पीछे करती हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि व्यापम ये निर्णय कितने जल्दी लेता है फिलहाल, लेकिन आप सभी से मैं अनुरोध यही करूंगा कि आप लोग 18 सितंबर मानकर ही तैयारी करें। कारण ये है कि कारण बहुत ही सिंपल है, अगर 18 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोगों की तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि एग्ज़ाम निकल जाए, 90 नंबर जो है सामान्य वर्ग का आ जाए, 90 नंबर से अधिक, और 75 नंबर STSC OBC का आ जाए। तो इस प्रकार से आप अपना मेंटलिटी बना के चलिएगा। डेट बढ़ गया तो आप सभी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर डेट नहीं बढ़ता तो कहीं ना कहीं आप लोग हड़बड़ाए नहीं और अच्छे से तैयारी करिए। ये आप सभी के लिए, बहुत सारे आवेदन व्यापम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे व्यापम से जो बताया जा रहा है कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, अब आने वाले समय में फिलहाल आपको देखने को मिल जाएगा ये जो इसका नोटिफिकेशन है क्या है शिक्षक भर्ती के मामले में व्यापम का रुख। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, मंत्री जी ने समीक्षा बैठक की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले एक साल से करीबन आप लोग सभी जान रहे कि 4000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होने वाली है, परंतु अभी तक उस भर्ती का कोई भी अता और पता नहीं है। परंतु इसी कड़ी में कल जो है मंत्री जी ने इसकी समीक्षा बैठक की और उन्होंने कहा कि जो भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये मैक्सिमम रखा जाए। जाहिर सी बात है, व्यापम और CGPSC तो फ्री कर दिए है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को, तो फिर बाकी एजेंसियां क्यों ले रही है छत्तीसगढ़ में भर्ती के लिए आवेदन का जो शुल्क है। इसी को अगर मंत्री जी के एक बात कान में पहुंची तो उन्होंने तुरंत जो है इसका निर्णय लिया और कहा कि भाई अगर आपको रखना ही है तो 100 रुपये मैक्सिमम रखिए, ये 500 और 1000 रुपये बिल्कुल भी जो है जो बोलना चाहिए शुल्क रहता है, आवेदन शुल्क, वो नहीं रखना चाहिए। तो इस कड़ी में जो भर्ती परीक्षाओं को उन्होंने कहा कि भाई आप लोग भर्ती करिएगा
और इसके लिए पद जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से पद है। तो देखिएगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सीनियर रजिस्ट्रार के 21, सीनियर रेसिडेंट के 131, जूनियर रेसिडेंट के 292, नर्सिंग स्टाफ के 300, हेल्थ वर्कर के 150 और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 3046 पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती होने वाली है। और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती होने वाली है और इसके लिए एक सप्ताह के भीतर जो है अफसरों को रिपोर्ट देने को कहा गया है। मतलब एक सप्ताह के भीतर जो है वो यहाँ पे जो बोलना चाहिए रिपोर्ट है वो दी जाएगी और उसके बाद इसका जो विज्ञापन है भर्ती विज्ञापन वो देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है जब इतने सारे पदों पर भर्ती होगी तो ये पर्टिकुलर एक विभाग इतना बड़ा काम करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचाएगा। तो हो सकता है आप लोगों की भर्ती परीक्षा व्यापम और पीएससी के माध्यम से आयोजित की जाए, तो आप सभी इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। फिलहाल आगे क्या होता है इसका पूरा मैं अपडेट आप सभी को सामने जल्द ही दूंगा। साथ में कल हुए स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2021 की जो परीक्षा हुई थी 2022 में, मतलब कल की डेट पे, वहां पे सीजीपीएससी ने अपना एक ट्रेलर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, सीजीपीएससी जब 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो आप जब उसका एग्जाम फरवरी 2023 में होगा तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के सामान्य अध्ययन और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन वहां आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग उसी तरीके से तैयारी करिए। कल जो है हमारे द्वारा लोगों से पूछा गया, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया, तो उन्होंने बताया कि पेपर टू एवरेज था लेकिन पेपर वन में जो रीजनिंग का और मैथ्स का जो रीजनिंग का मेन पार्ट था बोल सकते हैं वो बहुत ही घुमावदार था, लेंदी था। और साथ में अगर हम सामान्य अंदर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो इजी था, परंतु उनके लिए इजी था जो काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, डीपली नॉलेज रखे होंगे और नॉलेज के साथ साथ उनको कहना चाहिए हर चीज़ का बारीकी से अध्ययन किया होगा। तो जाहिर सी बात है ये कोर्ट में क्वेश्चन पूछने का अब जो सीजीपीएससी है उन्होंने चालू किया है, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही बारीक से बारीक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए मुझवानी, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों पर सीजीपीएससी फंसाता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। साथ में जो भारत का सामान्य अध्ययन है उसमें भी सीजीपीएससी ने अच्छा खासा डीप नॉलेज रखा है। मतलब आप लोग जब तक स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोगों का जो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अलावा भारत का जो सामान्य अध्ययन है वो भी काफ़ी आपको मुश्किल होगा। तो आप लोगों को फिर से मैं यही कहूँगा, स्टैंडर्ड बुक अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय है अभी आपके पास। तो आप लोग कम से कम अच्छे से तैयारी करिएगा क्योंकि आने वाले समय में सीजीपीएससी बड़े ही घुमावदार तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला है। साथ में याद रखिएगा मैथ्स और रीजनिंग भी आप उस लेवल का तैयारी करिएगा जिस लेवल पर बैंक और एसएससी और रेलवे में आप करते हैं, क्योंकि अब जो है सीजीपीएससी भी उसी लेवल पे जा रहा है। तो आप लोग यही आपको बताना था। साथ में आज जो है मॉडल आंसर भी जारी कर दिया जाएगा एसीएस का 2021 का, आप देख सकते हैं सीजीपीएससी की वेबसाइट पे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इसका जो कट ऑफ है इसका भी हमको कुछ दिन बाद जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि कितना जो संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जाएगा। फिलहाल आप लोगों का आज का पॉजिटिव मंडे पॉजिटिव यहीं तक। बहुत सारे लोग सीएएफ और डीएफ भर्ती के बारे में पूछ रहे थे तो उसका वीडियो मैं 3 दिन पहले ही बता दिया हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।